आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मुजफ्फरनगर जनपद में रोटरी क्लब में डाउन भी इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए अग्रिम भूमिका निभा रहा है, चाहे वो खाने के माध्यम से हो या फिर पीएपी किट के माध्यम से हो। हम आपको बता दें, रोटरी क्लब मिडडाउन मुजफ्फरनगर में गरीब परिवारों को इस कोरोना वायरस के चलते कच्चा व पक्का भोजन उपलब्ध करा रहा है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो सके। आज इसी क्रम में रोटरी क्लब मिडडाउन मुजफ्फरनगर के द्वारा भाजपा के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के माध्यम से पूरी रोटरी क्लब टीम ने जिला चिकित्सालय में कोरोना वायरस से बचाव कर रही टीम को लाखों रुपए की लागत से तैयार पीपीई किट सीएमओ को सौंपी, जिससे हमारे डॉक्टर इस किट का प्रयोग करते हुए इस कोरोना वायरस से हमारी जान बचा सकें व खुद भी सुरक्षित रह सकें। इस दौरान अध्यक्ष विपुल भटनागर ने बताया कि जिला अस्पताल को कोविड 19 संक्रमण लोगों के इलाज के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीईपी किट की आवश्यकता होती है। हमारे क्लब द्वारा इस महामारी के संकट में क्लब के साथियों के सहयोग से डॉक्टर्स के लिए किट दी जा रही है। सुनील अग्रवाल ने कहा कि रोटरी क्लब रोज असहाय लोगों के लिए भोजन भी वितरित कर रहा है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि रोटरी क्लब समाज सेवा में अग्रणी रहा है, उनका यह कदम बहुत ही सराहनीय है। इस महामारी में अपनी सेवा दे रहे डॉक्टर्स को बहुत सहयोग मिलेगा। सीएमओ प्रवीण चोपड़ा ने कहा कि रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिडटाउन के हम हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने इस समय में हमारे लिए इतना सोचा है। लाइव टुडे के लिए मुजफ्फरनगर से संवाददाता रोहित त्यागी की रिपोर्ट। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार के द्वारा भी बहुत सारा लगातार संघर्ष और तैयारी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार डॉक्टर्स को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, उनके हर प्रकार का संरक्षण भी कर रहे हैं और उनके द्वारा मरीजों का लगातार इलाज भी हो रहा है। उसी के निमित्त रोटरी क्लब जो वर्ल्ड वाइज एक बहुत बड़ी सामाजिक संस्था है, उनके द्वारा मुजफ्फरनगर सीएमओ को और सीएमएस को हमारे माध्यम से पीपीटी किट दी गई है, पर्सनल प्रोडक्शन इक्विपमेंट, उसकी 100 किट्स दी गई है। तो निश्चित रूप से रोटरी क्लब के सभी आदमी सुन जी भंडागर जी और हमारे सब साथी, इनके द्वारा ये योगदान किया गया है, मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सब लोग इस महामारी में सब लोग अपने अपने स्तर से लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं और ये सहयोग भी कर रहे हैं। एक बड़ा योगदान इस समय इस महामारी से निपटने के लिए सभी का चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ओर से, हमारे मुख्यमंत्री जी ओर से, हमारी सारी प्रशासनिक टीम, सारे डॉक्टर, सारे हॉस्पिटल, इनका पूरी पैरामेडिकल की टीम, हमारे पुलिस के कर्मी, पुलिस अधिकारी, इसके तहत डाकघर, बैंक, हमारे सफाई कर्मचारी, पत्रकार बंधु, सब अपनी अपनी भूमिका में है। मैं सभी का हृदय कह रही हूँ। बहुत आज आपने किट दी है, किस तरह के आप सभी को क्या कहे, आज हमारा देश किन परिस्थितियों में जूझ रहा है, महामारी कोरोना वायरस के हमारे देश में फैली हुई, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया हुआ चुका फैसला था। आज हमारे जिले में भी दो दिन की पुष्टि आई है, ये बड़ी चिंता का विषय हमारे लिए हो चुका है। मैं सभी जनप्रवासियों से अपील करता हूँ कि इस कोरोना वायरस के बचाव होना बहुत जरूरी, हमें अपना सोशल डिस्टेंस का रखना बहुत जरूरी है, मास्क लगा के पहने और इसके अलावा सैनिटाइजर अपने हाथ धोते रहें और अनावश्यक बाजार में आना जाना ना करें। कि जिम्मे तक सामान एमरजेंसी हो तो ही बाजार में जाए, आप भी अपने आप का बचाव रखें, अपने पड़ोसी का भी, अपने देश का भी बचाव रखें। मैं सभी से अपील करता हूँ, आज हमने रोटरी क्लब या पूरा मिडटाउन के सहयोग से पीपीई किट का 100 किट का योगदान हम जिला अस्पताल में सीएमओ साहब को, सीटो साहब को कबड्डी देवी नेतृत्व दे रहे हैं। इस किट की कीमत 100 किट की कीमत 15,000 रुपए है। ये अपने जो डॉक्टर लोग हैं जो इन मरीजों का इलाज करते हैं कोरोना वायरस वाले संक्रमित लोगों का, उनको किट पहनते हैं, उनसे उनके बचाव की पूरी पूरी उम्मीद होती है, इसको किट को पहनते हैं। या इसकी यह बात करी सीएमओ साहब से, इन्होंने कहा कि हमें किट की जरूरत है, तो हमने इसी के पक्ष में इन्हें किट उपलब्ध कराई है, जो दिल्ली से हमने मंगवाई है, उनकी गाड़ी की थी वो ले गई। आगे भी हमारा प्लान जो है, आगे सैनिटाइजर बांटेगा और मास्क बांटेगा, हम मीडिया कर्मचारियों को भी ये बांटेंगे।